Om zi mam zi mam bing bing bo tung tung sa stena se tar chi Are bhai 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 kya bhai bhai kya hua Ye kya hai And his name is John C And his name is John C His name is John C. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी। सो हेलो गाइस, आज हम स्कूल आए हैं। वैसे ही आज हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वेलकम टू मैक वाली ब्लॉगिंग चैनल, तो फॉलो करो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैक वाली ब्लॉगिंग चैनल। क्लास में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है और आज हम स्कूल आए थे। आज A few inches later. Moments later, a few minutes later. तो गाइस मैं वहाँ से आ गया स्कूल से और यहाँ पे आके बैठ गया। बस का वेट कर रहा हूँ, उस बस में हम अलवर जाएंगे। रोडवेज बस में अलवर जाएंगे। भाई साहब रोडवेज बस में जाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे भाई साहब इतना अच्छा लगता है रोडवेज बस में जाना। ऐसे एक लड़का कह रहा था मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। बैठा हुआ हूँ आराम से, वहां पे बस आएगी सामने, फिर मैं अलवर जाऊंगा, जो होएगा आपको दिखाऊंगा, फिर आपको मजा आएंगे देख के। व्लॉग में एंड तक बने रहना, व्लॉग को एंड तक देखते रहना। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास बजरी गिट्टी सब कुछ है, ट्रैक्टर भी है, कुत्ते भी हैं, डॉगी भी हैं, सब कुछ है। मेरे पास घड़ी भी है, सब कुछ है। गाइस मैं यहाँ पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मेरे को इस सामने बहुत प्यारा सा डॉगी दिखा, तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैं इससे आपको मिलाता हूँ, इंट्रोडक्शन कराता हूँ। देखो ये रहा, हाय Sorry, I have a boyfriend. उड़ गया। ओ बस आ गई बाबा। तो अब अलवर पहुंच के मिलते हैं आपसे। बस आ चुकी है, चलो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वो तो मतलब ये होता कि ना गाइस अलवर तो पहुंच चुके हैं, अब सीधा अपने नानी घर जाएंगे और फिर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं आपसे। अलवर पहुंच चुके हैं, नानी के घर जा रहे हैं भाई। The next day.
सो गाइस सुबह हो चुकी है और आज डेट हो गई 30 मार्च वेनसडे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया हुआ है वो दिखाता हूँ, क्योंकि जो अलवर में सरिस्का है ना वहाँ पे आग लगी पड़ी है, तो आग लग रही है मतलब सरिस्का में जो जंगल है, तो उधर उसके लिए ये यहाँ पे पानी भरने आता है, फिर उधर पानी डालता है मतलब आग बुझाने के लिए यहाँ पे पानी भरने के लिए आता है, बार बार हर 10 मिनट में आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने नानी के घर था जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ हेलीकॉप्टर यहाँ से बिल्कुल यही है, जस्ट अभी दिखाऊं। A few inches later, ऐसा आपने हेलीकॉप्टर तो देख लिया होगा, ये हर 10-15 मिनट में आता रहता है। तो मैं आपको बता दूं अब मैं कहाँ जाऊंगा आज, तो आज मैं जाऊंगा मूवी देखने RRR, जो साउथ की मूवी है RRR, जो बाहुबली के डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है वो वाली RRR। तो अभी हम सिनेमा हॉल मतलब मॉल जाएंगे, मॉल में सिनेमा हॉल है, तो अभी मैं रेडी होऊंगा नहा धो के, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी नहा धो के रेडी होएंगे फिर चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत जैसा भी होएगा, पूरी मूवी तो दिखा नहीं सकता, 3-4 घंटे का व्लॉग बन जाएगा। अभी चलते हैं बस, फिर RRR मूवी दिखाएंगे आपको मतलब रिएक्शन जो भी, तो चलो अभी रेडी होता हूँ फिर मिलते हैं। A few inches later, गाइस रेडी में हो चुका हूँ, अब जल्दी चलते हैं मॉल, फिर मॉल में सिनेमा हॉल, फिर देखते हैं RRR और आपको दिखाते हैं थोड़े बहुत सीन और रिएक्शन देते हैं, चलो। तो गाइस मॉल पहुँच चुके हैं, अब ऊपर जाएंगे लिफ्ट से, सिनेमा हॉल ऊपर की साइड, पहले यहाँ से टिकट ले लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे। He's Mr. Venkat Avadhani. कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है। Moments later, a few minutes later. तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और मूवी पूरे 3 घंटे की थी और पूरी देखी भाई साहब, नेक्स्ट लेवल मूवी थी कसम से, और बहुत मजा आ गया उसमें, और इतना अच्छा उसका मतलब कि एक्शन और उसमें फाइट जो वो कर रहे थे बहुत अच्छा था सब कुछ, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि साउथ की मूवी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड मूवी जैसा कुछ हो उसमें, मतलब कि बॉलीवुड के भी एक्टर थे कुछ, हॉलीवुड से भी थे, और साउथ की मूवी थी तो साउथ के तो एक्टर होंगे, अजय देवगन सर और आलिया भट्ट, बहुत मतलब बॉलीवुड के भी एक्टर थे उसमें, और भाई साहब नेक्स्ट लेवल मूवी थी, मेरे को तो मज़ा आ गया देख के। अगर आपने देखी है तो आप बताना कि आपको कैसी लगी, बाकी यहीं पे ही ब्लॉग ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग आने वाले नए ब्लॉग के साथ। तो अगर अभी तो मैं यहीं पे हूँ अलवर में, अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं ब्लॉग जरूर बनाऊँगा और जरूर डालूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।